हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर जो लॉन्च हुआ है, वो हमारे पीएम ने बोला है दिस इज़ अ हिस्टोरिक स्टेप। तो देखते हैं क्या है इस आर्टिकल में। 2 डेज़ आफ्टर द लॉन्च ऑफ इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो एक तो इंडिया आ गया, एक मिडिल ईस्ट आ गया और यूरोप आ गया। तो ये इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, चलिए देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन मंडे डिस्क्राइब सऊदी अरेबिया एज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पार्टनर ऑफ इंडिया। द एक्सचेंज बिटवीन द टू साइड्स टुक प्लेस ड्यूरिंग द स्टेट विजिट ऑफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, यही है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, और सऊदी अरेबिया व्हेन दे एग्रीड टू सेट अप अ जॉइंट टास्क फोर्स टू फास्ट ट्रैक एंड वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। एज टू ऑफ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज आर पार्टनरशिप इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेबिलिटी ऑफ द एंटायर रीजन। मतलब सऊदी अरेबिया और इंडिया, सऊदी अरेबिया और इंडिया, दिस टू कंट्रीज़ आर वर्ल्ड्स टू फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज। येस्टरडे वी टुक अ हिस्टोरिक स्टेप टू कनेक्ट इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप। अगर आपने मैपिंग पढ़ी है तो यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे वेस्ट एशिया है, यहाँ पे यूरोप है। तो देखिए, यही बात हो रही है कि इसको एक इकोनॉमिक कॉरिडोर में ऐसे बनाएंगे। देखते हैं आगे क्या है। येस्टरडे वी टुक अ हिस्टोरिक स्टेप टू कनेक्ट इंडिया, वेस्ट एशिया एंड यूरोप थ्रू एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। अपार्ट फ्रॉम कनेक्टिंग द टू कंट्रीज, द कॉरिडोर विल हेल्प एन इंक्रीज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सेक्टर एंड डिजिटाइजेशन, मतलब सब कुछ जो डिजिटल हो रहा है उससे, सेड मिस्टर मोदी, कन्वेइंग इंडियाज ग्रेटिट्यूड फॉर किंगडम्स इनिशिएटिव टू इंश्योर वेलफेयर ऑफ द रेसिडेंट इंडियन एक्सपर्ट। अब देखिए, सिग्निफिकेंट विजिट है ये मोहम्मद बिन सलमान की, ये पहले से होना था कि यहाँ पे ये स्टेट विजिट के लिए रुकेंगे न्यू दिल्ली में। मिस्टर मोदी एंड प्रिंस बिन सलमान ऑल्सो को चेयर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द इंडिया सऊदी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC। तो अब स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल की ये पहली मीटिंग थी। द स्टेट विजिट ऑफ द क्राउन प्रिंस इज सिग्निफिकेंट एज इट कम्स मंथ आफ्टर सऊदी अरेबिया एंडेड हॉस्टिलिटी विथ ईरान थ्रू अ डील दैट वॉज नेगोशिएटेड बाय चाइना। तो चाइना ने जो डील से यहाँ पे इन दोनों के बीच बातचीत करवाई, उसके 1 महीने बाद ही यहाँ पर स्टेट विजिट हो रहा है इनका। इट हैज़ ऑल्सो कम वीक्स आफ्टर सऊदी अरेबिया बिकम द मेम्बर ऑफ द ब्रिक्स ड्यूरिंग द जोहान्सबर्ग समिट। तो यहाँ पे ब्रिक्स का समिट हुआ था, तो उसमें ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ था, 5 से 11 हुआ था। तो जो 11 में 6 कंट्रीज, मतलब +6 हुआ, तो उस +6 में से एक सऊदी अरेबिया थी, और ये महीने दिन पहले की बात है। तो वो कह रहे हैं कि ये उसके बाद इनका पहला विजिट इंडिया है। द डिस्कशन फोकस्ड ऑन डिफेंस, एनर्जी, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, टूरिज्म एंड कल्चर, स्पेस एंड सेमीकंडक्टर एज एरिया ऑफ पॉसिबल कोऑपरेशन। जस्ट अ सेकेंड। बोथ साइड्स एक्सटेंडेड फुल सपोर्ट टू वेस्ट कोस्ट रिफाइनरी प्रोजेक्ट। अब क्या है इसको देखेंगे। विच इज ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट बिटवीन अरेमको, एंडनॉक एंड इंडियन कंपनी, फॉर विच $50 बिलियन आर ऑलरेडी अरमार्क्ड। द न्यू थिंग दैट हैज कम अप इज द टू साइड जस्ट अ सेकेंड टू साइड्स एग्रीड टू सेटअप अ जॉइंट टास्क फोर्स टू हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द चैनलाइजिंग द $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट विच वॉज एक्चुअली प्रोमिस्ड बाय द सऊदी साइड, हाफ ऑफ विच वॉज फॉर द रिफाइनरी, सेड मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर सेक्रेटरी आसुफ, MEA एक्सटर्नल अफेयर्स है सैयद, अनाउंसिंग दैट द दिल्ली एंड रियाद, ये कैपिटल, वुड अपग्रेड एनर्जी टाइज टू कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप। तो मतलब आप देख रहे हैं, हर चीज़ में हम लोग सऊदी के साथ ज़्यादा बढ़ चढ़ के पार्टनरशिप कर रहे हैं। बोथ साइड एग्रीड टू वर्क ऑन द इंडिया GCC फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, सेड मिस्टर सैयद। क्राउन प्रिंस बिन सलमान हैड विजिटेड इंडिया इन फेब 2019 व्हेन सऊदी अरेबिया हैड प्लेज्ड टू इन्वेस्ट $100 बिलियन एंड द इन्वेस्टमेंट इन टू एनर्जी प्रोजेक्ट वॉज फर्स्ट मूटेड ड्यूरिंग दिस इनिशिएटिव। अमंग द 8 एग्रीमेंट डेट वर सील्ड, इंक्लूडिंग वन बिटवीन
बिटवीन द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफ इंडिया, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी, आप बताइए मुझको कमेंट बॉक्स में, ऑफ इंडिया एंड दी सऊदी ओवरसाइट एंड एंटी करप्शन अथॉरिटी एंड अनदर बिटवीन दी सऊदी एंड इंडिया एग्जिम बैंक। तो ये एग्जिम बैंक की बात हो रही है, क्यों एग्जिम बैंक का क्या काम है यहाँ पर, आप बताइए मेरे को, क्या ये करेंसी ट्रेड से कुछ रिलेटेड हो तो मुझको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, ये हिंट था आपके लिए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया एंड सलाइन वाटर कन्वर्जन कॉरपोरेशन ऑफ सऊदी अरेबिया साइंड एन एग्रीमेंट ड्यूरिंग द विजिट। आफ्टर द मीटिंग इन हैदराबाद हाउस विद मिस्टर मोदी, प्रिंस बिन सलमान कॉल्ड ऑन प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एंड अटेंडेड बैंकवेट डिनर होस्टेड इन हिज ऑनर। अ जॉइंट स्टेटमेंट इशूड एट द एंड ऑफ द विजिट मेंशन दैट द सऊदी साइड हैज़ अश्योर्ड इंडिया दैट इट वुड रिमेन अ रिलायबल पार्टनर एंड एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल सप्लाईज। द डॉक्यूमेंट मेंशन दैट द टू डेलीगेशन वेलकम द एक्सपेंशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इन द टू कंट्रीज टू एंटर इंटू इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप इन एग्रीकल्चरल एंड फूड इंडस्ट्रीज। द जॉइंट स्टेटमेंट स्ट्रेस्ड ऑन स्ट्रेंथनिंग कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ डिफेंस एंड एंटी टेरर कॉपरेशन एंड मेड ए स्पेशल मेंशन ऑफ प्रिवेंटिंग एक्सेस टू मिसाइल एंड ड्रोन्स टू कैरी आउट टेरर अटैक्स इंडिकेटिंग द ऑन गोइंग रिफॉर्म इन सऊदी अरेबिया। द जॉइंट स्टेटमेंट मेंशन द टू साइड्स डिस्कस्ड प्लान टू स्ट्रेंथन द टूरिज्म सेक्टर फॉर बायलेटरल रिलेशन। तो इस आर्टिकल में देखते हैं हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है। सबसे पहले चीज़ हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाती है वो है सऊदी अरेबिया का लोकेशन, हमें पता होना चाहिए सऊदी अरेबिया और उसके साथ जिसको हम लोग अगर बोलते हैं गल्फ प्लस मिडिल ईस्ट, तो ये लोकेशन हमारे लिए, और अगर मैं इसको शॉर्ट में बोलूँ तो वेस्ट एशिया प्लस सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया ये हमारे लिए लोकेशन इम्पोर्टेंट है। जो हम अभी बात कर रहे थे इकोनॉमिक इकोनॉमिक कॉरिडोर की, उसमें आप देखिए इंडिया को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, वेस्ट एशिया को कनेक्ट कर रहे हैं हम लोग, यूरोप को कर रहे हैं। तो ये कनेक्शन कैसे हो रहा है, मतलब आप जैसे ये पढ़ रहे हैं इंडिया वेस्ट एशिया यूरोप, क्या आपके माइंड में आ रहा है ओके ये लैंड रूट यहाँ पे ये ऐसा बनाएंगे इकोनॉमिक कॉरिडोर, और उसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं वो हमने इस आर्टिकल में देखे हैं। तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। एक देखिए एग्जिम बैंक इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, CVC मैंने आपको बताया CVC, अब बताना है आपको ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है कि स्टैट्यूटरी बॉडी है, और अगर इन दोनों में किसी को डिफरेंस नहीं पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। और आपको कमेंट नहीं करना है तो आप इसको सिंपली गूगल भी कर सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल होगी, जिसको किसी एक्ट के थ्रू बनाया जाता है उसको स्टैट्यूटरी कहते हैं, इसके बारे में और पढ़िएगा। एंड और हमारे लिए इस आर्टिकल में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होता है, जो भी जो जो चीज़ें होने वाली हैं उसके ऊपर आगे, जैसे कॉम्प्रिहेंसिव एनर्जी पार्टनरशिप है तो ये इसके ऊपर फ्री ट्रेड हो गया, जैसे जैसे हमें क्लैरिटी मिलेगी कुछ न्यूज़ आएगा मैं आपके लिए वीडियो बना के ले आऊँगा। सो थैंक यू एंड वर्क हार्ड टू अचीव ऑल योर ड्रीम्स।